संघ के शताब्दी वर्ष नजदीक आ रहा है। हम हर 3 वर्ष में एक बार संघ कार्य के विस्तार, एक है भौगोलिक विस्तार, कार्य के आयामों का विस्तार, इन विषयों के एक योजना बनाते हैं, उस लक्ष्य को लेकर आगे चलते हैं, उसकी समीक्षा हर वर्ष 2 बार करते ही हैं। एक बार सामान्यतः नवरात्रि और दीपावली के बीच होने वाली कार्यकारी मंडल बैठक में और एक बार प्रतिनिधि सभा में। तो अभी हमारे सहयोगी डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी ने परसों आपके सम्मुख अपने संघ कार्य के विस्तार के बारे में काफी बातें बताई हैं। अभी देश भर में जो मंडल है उनमें से 50% मंडलों में संघ के कार्य पहुंचा है, दैनिक शाखा या साप्ताहिक मिलन के। तो हम इसको आने वाले 2 साल में पूरा करना चाहते हैं, ऐसे एक लक्ष्य बनाया है, इसके लिए योजना भी बनाई है, इसके लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी निकल रहे हैं। संघ कार्य को पूरा करना बस्ती में भी, शहरी क्षेत्र में बस्तियां हैं, तो इन बस्तियों में सामान्यतः की भाषा में वार्ड्स जो कहते हैं, 10,000 संख्या के, जनसंख्या के 8,000 से 12,000 मान सकते हैं, ऐसी जनसंख्या की एक बस्ती, ऐसे हमने जो विचार किया उसमें भी अभी लगभग 45-50% बस्तियों में संघ की शाखाएं या साप्ताहिक मिलन चलते हैं। आने वाले और 2 वर्ष इस कार्यकाल के है, अभी 1 वर्ष समाप्त हुआ, हम इसको पूरा करना चाहते हैं। संघ कार्य के पूरा करने का हमारा उद्देश्य केवल संख्यात्मक दृष्टि से संघ के शाखा इतनी संख्या हो गई, केवल उस गर्व की बात साधना करने के लिए अपने सारा कार्य नहीं है। संघ के स्वयंसेवक हर बस्ती में, हर मंडल में, हर गांव में है, यानी राष्ट्रीयता, राष्ट्र भावना को आगे बढ़ाने वाला एक व्यक्ति है। समाज के संकट में संवेदना से समाज के सब लोगों को जोड़ने वाला व्यक्ति वो होता है। इसलिए संघ के अपने संगठन के ताकत बढ़ाना यह हमारा उद्देश्य नहीं है, समाज के आंतरिक शक्ति बढ़नी चाहिए, सामाजिक एकता, समरसता, सामाजिक संगठन भाव यह बढ़ना है, इसलिए तो संघ की शाखा है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो समाज ने इस विषय को बहुत समझकर और उदार मन से, सहयोग भावना से न केवल संघ को स्वागत किया है, अपना कार्य है इसे इन्होंने उस भावना से इसको स्वीकार किया है। हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में संघ के कार्यक्रमों में आने वाले समाज बंधु भगिनी या पूजनीय सरसंघ चालक जी के प्रवास में आने वाले, उनके संपर्क करने वाले लोग, ये सब लोग संघ के कार्य को न केवल समर्थन देते हैं, बहुत अच्छा है, प्रशंसा करते, इतना ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं बताइए, प्रत्यक्ष अपने समय, शक्ति, संसाधन इसको देकर इस कार्य के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। इसलिए संघ के स्वयंसेवक का जाकर मिलना एक है, समाज के लोग भी आकर मिलना चाहते हैं। जॉइन आरएसएस करके हमने एक प्लेटफॉर्म प्रारंभ किए कुछ वर्ष पूर्व, लाखों लोग स्वयं होकर संघ के बारे में जानना और संघ के साथ जुड़ने के लिए हमारे वेबसाइट पर अपने नाम दर्ज करके बताते हैं। ये उनके तरफ से होने वाला संपर्क है। कोरोना आया तो उस समय सेवा कार्य के बहुत सारे संघ के कार्यालयों में संघ कार्यकर्ताओं के पास समाज के लोग आए, देखिए इस समय कुछ ना कुछ सेवा कार्य आप करते हैं, हमको मालूम है, हम कुछ करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, हमारी सहायता आपको हम देना चाहते हैं, आप करिए। तो इसलिए संघ के ऊपर समाज के यह जो विश्वास है, इससे समाज का कार्य आगे बढ़ता है, यह हमारा अनुभव है।